निगम क्षेत्र के आवासों और व्यावसायिक भवनों में अमृत मिशन योजना के तहत लगे वैध एवं अवैध नल कनेक्शन की घर घर सर्वे कर निगम जांच करेगा। अवैध कनेक्शनों को वैध करने की कार्रवाई की जाएगी। वही लंबे समय से जलकर की राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध निगम प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करेगा। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर जल प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने जल कार्य विभाग के अभियंताओं एवं जल कर वसूली करने वाली एजेंसी के साथ बैठक कर निर्देशित किया है कि संपूर्ण निगम क्षेत्र में 91,129 नल कनेक्शन लिए गए हैं, जिनमें से संपत्ति कर आईडी में 48,000 नल कनेक्शन का ही उल्लेख है, जिसके कारण निगम को जल कर की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जिनके यहाँ वैध कनेक्शन है, ऐसे हितग्राही स्वयं का बोर होने, पानी कम आने के नाम पर जल कर की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। निगम के अभियंताओं तथा एजेंसी के जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि जल्द ही जोनवार एवं वार्ड वार्ड घर घर सर्वे कर अवैध नल कनेक्शन एवं जल कर नहीं जमा करने वालों को चिन्हित किया जाए। इस संबंध में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने जानकारी दी। नगर निगम क्षेत्र में 90,000 से अधिक नल कनेक्शन की सूची है, उसमें से 48,000 लोग उसका जल राशि का भुगतान कर रहे हैं जो संपत्ति कर से अटैच है, बाकी लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो माननीय आयुक्त महोदय ने एक निर्देश दिया है कि नल कनेक्शन की सभी जगह सर्वे कराकर जोन 1 से लेकर जोन 5 तक सभी 70 वार्डों में जांच करवाकर ये पता लगाना है कि कौन वैध है और कौन अवैध है। तो अवैध कनेक्शनों को उनसे दंड स्वरूप राशि के साथ उनकी बकाया राशि ली जाएगी। साथ ही जो लोग बहाना करते हैं कि मेरे यहाँ तो संपत्ति कर पटाते समय कि मेरे यहाँ तो बोर है, मैं खुद सार्वजनिक नल से पानी लेता हूँ, ऐसे लोगों की भी जांच करके उनसे भी जल कर की राशि भुगतान के लिए कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के दौरान प्रपत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करने कहा गया है कि अमृत मिशन के तहत लिए गए कनेक्शन वैध हैं अथवा अवैध। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर उस मकान मालिक के विरुद्ध निगम द्वारा नोटिस जारी कर अर्थदंड के साथ कनेक्शन को वैध किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।